अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ काजी अकीब राजा और लैंड सर्वे स्टूडियो में आपका फिर से एक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर का कैसे लेआउट प्रिपेयर करते हैं जीएडी के बेस पे। अपने पास एक जीएडी है जिसको मैं ओपन किया। यहाँ पे टू स्पैन वाला एक इंटरचेंज है, यानी फ्लाई ओवर है। इस फ्लाई ओवर 20 डिग्री स्क्रू में है और एक्सपेंशन गैप टू एक्सपेंशन गैप, मतलब जॉइंट टू जॉइंट जो अपना डिस्टेंस दिया हुआ है 90.155 स्क्रू डिस्टेंस है। इसमें दो स्पैन है। ये दो स्पैन को कैसे हम लोग लेआउट करते हैं ऑटोकैड में, जिसका सेंटर है 62+716, जिसका सेंटर चेंज है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑटोकैड में लेआउट करेंगे। चलिए वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे ऑटोकैड में इसको लेआउट करते हैं स्ट्रक्चर लेआउट। ये अपने पास एक सेंटर लाइन है जिसको प्लॉट किया हुआ है, जो बिल्कुल एक रेडियस में है और यहाँ पे चेंज पुट किया हुआ है। A1, P1 और A2 तीन फाउंडेशन है इसका, जिसका सेंटर चेंज है यहाँ पे 62+716। ये 62710 10 मीटर इंटरवल में है, इसीलिए मैं 710 को एक सर्कल लगाएंगे 6 मीटर का, तो मैं पहुंच जाएंगे कहाँ 62+716 चेंज पे, जो अपना स्ट्रक्चर का सेंटर है। उस सेंटर से 19.155 एक और एक सेंटर लेंगे, मतलब सर्कल लेंगे, क्योंकि इसमें 19.155 दोनों स्पैन सेम है, इसीलिए 19.155 का सर्कल लिया। और सर्कल जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ एंड हुआ, मतलब A1 और P1 का, मैं एक लाइन खींचा, क्योंकि इसमें पूरा अपना जो एलिमेंट है वो रेडियस में है और हमको ब्रिज बनाना है एक स्टेट, क्योंकि ब्रिज अपना राउंड शेप पे नहीं बन सकता है। और इसके बाद जो इसका डेस्क स्लैब बनेगा वो थोड़ा सा कैंटिलीवर रहेगा, वो बाद में। हम सबसे पहले ब्रिज को सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर जीडी को देखेंगे, यहाँ पे इसका मीडियन जो है इनर टू इनर 3 मीटर और 0.5 मीटर का क्रॉस बैरियर है, यानी 4 मीटर का मीडियन है। और 0.5 इसका क्रॉस बैरियर रहेगा, इसलिए हम मीडियन में जाने के लिए 2 मीटर इसको ऑफसेट मारेंगे, जो अपना एक नया लाइन हुआ है। रेडियस वाला लाइन को नहीं मारेंगे, जो हम नया जो लाइन क्रिएट किया उस लाइन को। इसके बाद हम इसका स्क्यू एंगल देखेंगे, 20 डिग्री स्क्यू में है इसका 90 के रिस्पेक्ट में। अपना जो सेंटर लाइन है उसको अगर हम 90 डिग्री में एक लाइन लेंगे, उस लाइन से ब्रिज बनेगा 20 डिग्री लेफ्ट साइड की तरफ स्क्यू में। सबसे पहले जो अपना चेंज है स्टार्टिंग, मतलब सेंटर चेंज, उसको हम 90 में एक लाइन लेंगे, जो न्यू लाइन क्रिएट किया उस लाइन से, जो उसका ऑफसेट लिया उस लाइन तक परपेंडिकुलर पीआर कमेंट देके एक छोटा लाइन ले लेंगे और इसको एकदम सर्कल तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन का अभी ज़रूरत नहीं है, हमको सेंटर मिल गया। इसको फिर से हम राइट साइड की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ये अभी क्या है, अपना जो अलाइनमेंट है उसका 90 पे एक लाइन क्रिएट हो गया, उसको RO कमांड देके, यानी रोटेशन कमांड देके, उसको 20 डिग्री में अगर लेफ्ट साइड की तरफ हमको रोट करना है तो +20 और राइट की तरफ होगा तो -20 हम देते। अभी लेफ्ट की तरफ हमको स्क्यू देना है, इसलिए ओनली 20 डिग्री, यानी 20 देके एंटर करेंगे, तो वो लाइन क्या हुआ 20 डिग्री में रोट हो गया है। अभी इसका मैं यहाँ से एक सर्कल लगाएंगे चेनेज से 16, मतलब 6 मीटर जहाँ पे होता है इसको, मैं इसको मूव कर लेंगे इस लाइन को, क्योंकि अपना चेनेज को सेंटर चेनेज को फिक्स्ड रखना है। सेंटर चेनेज को मैं सबसे पहले फिक्स्ड कर लेंगे अपना सेंटर लाइन के बराबर, जो अपना डिज़ाइन सेंटर है उसके बराबर। एक बार चेक करेंगे 6 मीटर एग्जैक्ट आ रहा है। सेंटर हमको फिक्स्ड करना है, सेंटर लाइन जब फिक्स्ड हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इस ड्राइंग पे इसका जो स्क्वायर डिस्टेंस है, स्क्वायर डिस्टेंस को हम ऑफसेट मारेंगे, यानी एक्सपेंशन गैप टू एक्सपेंशन गैप
जो 18 मीटर आ रहा है उस 18 मीटर को हम इसको वाला लाइन से ऑफसेट मारेंगे, इसक्यू वाला जो लेंथ है उसको नहीं मारेंगे। अगर इसक्यू को हमको चेक करना है तो बाद में हम दिखाएंगे कैसे इसको चेक करते हैं। इसको लाइन तक जो मीडियन वाला लाइन है उसको हम अपना जो एक्सपेंशन A1 और A2 का हो गया वहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग पे दिया हुआ है अपना जो मीडियन सेंटर यानी PCL है, PCL से 8.75 दूर में अपना डेक यानी ब्रिज का सेंटर है, उसको हम ब्रिज का सेंटर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यानी PCL को हम अगर 8.75 ऑफसेट मारेंगे, जो हम न्यू लाइन क्रिएट किया उस लाइन को हम 8.75 ऑफसेट मार के ब्रिज का सेंटर निकाल लिया। यानी अपना मीडियन से इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 6.75 कुछ आ रहा है, यानी अपना मीडियन से 6.75 लेफ्ट साइड और मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड 6.75 में मैं सेंटर को और एक ऑफसेट लिया यानी ब्रिज को कंप्लीट किया। उसके बाद क्रॉस बैरियर रहेगा 0.5 मीटर में, आधा मीटर मतलब टो की तरफ और आधा मीटर मीडियन की तरफ। इस लाइन को भी एक्सटेंड करने के लिए कुछ मैं लाइन खींच दिया हूँ उसको आगे तक एक्सटेंड करने के लिए। EX कमांड लेके इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर लेंगे एक्सपेंशन गैप तक। वेरी इजी प्रोसेस है। ये अपना हो गया ब्रिज सेंटर, डेक सेंटर को मैं अलग कलर दे दिया। आप अलग अलग लेयर भी बना सकते हो काम को आसान करने के लिए। 6.75 मीडियन से और 8.75 अपना सेंटर से। इतना काम करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ सारा डिस्टेंस क्लियर हुआ कि नहीं। इसको 0.5 इनर की तरफ एक क्रॉस बैरियर बनेगा, इसका आउटर की तरफ बनेगा सेम लेफ्ट साइड में भी आउटर की तरफ 0.5 मीटर का क्रॉस बैरियर बनेगा। क्रॉस बैरियर का आउटर में जो भी लाइन रहेगा उसको हम ट्रिम कर देंगे, अगर ट्रिम नहीं होगा तो कुछ एक्सटेंड करके इसको ट्रिम करेंगे। जो अनएक्सपेक्टेड वाला लाइन होगा सारे को हम एक बार क्लियर कर लेता हूँ। वीडियो को मैं थोड़ा सा स्लो बना रहा हूँ क्योंकि फास्ट बनाएंगे तो किसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक्सपेंशन गैप जो रहेगा उसका मैं कलर रेड लाइन किया से। यहाँ से ए क्या है 18 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसकी और स्क्वायर कहाँ से निकलता है वो भी एक बार देख लेता हूँ। 18 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है जो अपना GAD में दिया हुआ है, 18 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस। अगर इसका स्क्यू हम चेक करेंगे तो कहीं से भी मैं सेंटर से ले लेता हूँ, सेंटर से जो स्क्यू एंगल बन रहा है उसका 19.155 जो इसकी एंगल इसमें दिया हुआ है। तो मैं एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखता हूँ क्योंकि ये ब्रिज 20 डिग्री स्क्यू में है और 18 डिग्री अपना स्क्वायर है, स्क्वायर डिवाइडेड कॉस 20 डिग्री करेंगे तो स्क्यू का डिस्टेंस निकल जाएगा 19.155 एग्जैक्ट। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसका स्क्यू एंगल में चेक करेंगे, जो नया लाइन मैं खींचा था उस लाइन से और जो एक्सपेंशन गैप हुआ एक्सपेंशन जॉइंट तक ये 20 डिग्री स्क्यू में है 90 के रिस्पेक्ट में। सब कुछ चेक होने के बाद तभी मैं फाउंडेशन लेआउट करेंगे। सबसे पहले मैं जो अनएक्सपेक्टेड वाला लाइन है उसको मैं सब डिलीट करता हूँ क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी मीडियन होगा मीडियन का कलर थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ जो देखने में अच्छा लगेगा। इनर टू इनर यहाँ पे डिस्टेंस में चेक करेंगे
जो मीडियन इनर टू इनर 3 मीटर ड्राइंग के साथ इसको भी एक बार मैच करना पड़ेगा। इसको अगर हम देखेंगे मीडियन 3 मीटर्स इनर टू इनर डिस्टेंस, सब कुछ हमको चेक करके तभी आगे फाउंडेशन हमको बनाना है। अभी मैं इसको ध्यान देंगे तो एक्सपेंशन गैप जो एक्सपेंशन सेंटर है वहाँ से बियरिंग डिस्टेंस है 850 mm का मैं एक्सपेंशन से ऑफसेट मारेंगे 0.850 एक्सपेंशन से इनर की तरफ इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड A1 A2 की तरफ, और A2 में जब करेंगे तो इनर की तरफ। जो बियरिंग सेंटर हमको मिला है उसका हम अलग से एक लेयर बना सकते हैं, क्योंकि अभी लेयर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं कलर चेंज कर दिया, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये हो गया अपना बियरिंग सेंटर यानी पेडेस्टल सेंटर। सबसे पहले मैं इसका फाउंडेशन बनाएंगे, ये ओपन फाउंडेशन है। तो यहाँ पे अगर GAD में सबसे पहले हम देखेंगे इसका व्हाइट है 5 मीटर, हर जगह एक बार सेक्शन में भी देखना पड़ेगा, प्लान में भी देखना पड़ेगा, और जहाँ टिपिकल सेक्शन दिया हुआ वहाँ भी चेक करना पड़ेगा सारे जगह। सिर्फ एक जगह में देख के फाउंडेशन हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग भी वेरीज हो सकते हैं, वो वेरीज को हमको देखना है। ये A1 का टिपिकल सेक्शन दिखा हुआ है डिटेल से, मतलब फाउंडेशन से 5 मीटर, मतलब बियरिंग सेंटर से 5 मीटर 2.5 मीटर A1 की तरफ और A2 की तरफ लेंगे तो उसका फाउंडेशन आउटर मतलब निकल जाएगा। सेम A2 का भी निकाल देते हैं, और जिस टाइम हम P1 का करेंगे उसका एक्सपेंशन सेंटर से होगा, क्योंकि मैं यहाँ अगर सेक्शन देखेंगे P1 के लिए अलग एक सेक्शन है, इसको मैं देखना पड़ेगा। P1 में भी सेम है 5 मीटर दिखाया, इसमें क्या है बियरिंग सेंटर से नहीं लिया हुआ है, इसमें एक्सपेंशन जो सेंटर है वहाँ से टोटल 5 मीटर का फाउंडेशन है, यानी 2.5 मीटर A2 की तरफ और 2.5 मीटर A1 की तरफ। इसको भी सेम हम ऑफसेट मारेंगे इतना। अभी मैं एक ही मतलब बनाएंगे, उसके बाद सारे में कॉपी कर लेंगे, एक पॉलीलाइन कमांड लेंगे जो बियरिंग सेंटर और ब्रिज सेंटर दोनों से इंटरसेक्शन हो रहा है उसी में एक लाइन लेंगे परपेंडिकुलर 90 में। इसको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बियरिंग सेंटर होगा वहाँ से लेके हमको लाइन खींचना है, ना एक्सपेंशन जॉइंट से, एक्सपेंशन सेंटर से नहीं लेना है, बियरिंग सेंटर से लाइन लेना है। ये 90 डिग्री में होगा, क्योंकि इसमें अगर ड्राइंग पे देखेंगे टोटल अपना बियरिंग सेंटर का 90 में फाउंडेशन बना हुआ है, और फाउंडेशन का लेंथ भी इसमें दिया हुआ है जिसका हम आधा आधा करके मार सकते हैं। उसका सेक्शन में भी देखेंगे और प्लान में भी देख लेंगे 10.800 उसका SQ डिस्टेंस है। 10.800 को मैं यहाँ से ऑफसेट मारूँगा, मतलब उसका 50%, मतलब 5.4 के बाद जो लाइट बच गया उसको मैं ट्रिम कर लिया। ये अपना एक फाउंडेशन जब बन जाएगा, टोटल अपना ब्रिज एक ही लाइन के रेस्पेक्ट में बन रहा है, यानी इसको सेम फाउंडेशन को मैं सारे जगह में प्लॉट कर सकता हूँ। एक फाउंडेशन अगर बन जाएगा, सेम फाउंडेशन को ले जाके सारे में कॉपी करके मैं बना सकता हूँ। इसको हो गया कि इसका स्क्यू डिस्टेंस 10.8, इसका स्क्वायर डिस्टेंस में अगर चेक करेंगे 10.149 यहाँ पे दिया हुआ है। उसको कैसे चेक करते हैं, कोई भी अगर एक स्ट्रेट लाइन को मैं कॉपी करके इसका इनर लाइन और आउटर लाइन इसमें दोनों में रखेंगे, ये हो गया स्क्वायर वाला डिस्टेंस चेक करने का तरीका। दोनों में रखेंगे इसको चेक करेंगे तो एग्जैक्ट हमको 10.149 ही मिलेगा, मतलब ये हो गया उसका स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, इसको बस मैं स्क्वायर डिस्टेंस चेक करने के लिए ड्रॉ किया था, इसका कुछ काम नहीं है, ये भी चेक करके देख लेना है, क्योंकि इसको मैं एक बार काटता हूँ 10.08 इंटू कॉस 20 सॉरी इंटू करना है डिवाइड नहीं करना है 10.8 इंटू कॉस 20 डिग्री इसको में है, तो 10.148686 मतलब 9 पे आ गया 10.149 इसका स्क्यू स्क्वायर डिस्टेंस है। स्क्यू और स्क्वायर जब हमको कंफर्म हो जाएगा एक फाउंडेशन में, सारे फाउंडेशन को है
यही वाला इसको कॉपी करेंगे, फाउंडेशन सेंटर में पकड़ेंगे, ब्रिज सेंटर से, ब्रिज सेंटर और फाउंडेशन सेंटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पकड़ के सबका ब्रिज सेंटर और फाउंडेशन सेंटर में हम उसको पेस्ट कर देंगे एक ही फाउंडेशन को। इसको भी ध्यान से करना है, इसमें बियरिंग सेंटर पे बैठाना है। अभी जो लाइन हम ऐसे लिया था उसको चेक करने के लिए सारा लाइन पे बैठ गया, यानी ओके है, ठीक है। अपना फाउंडेशन तक अपना ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका शाफ्ट बनाएंगे, यानी पीआर बनाएंगे। पीआर का डिटेल हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये राउंड शेप का पीआर है, आरसीसी पीआर 100 मतलब 1000 mm का है, मतलब 1 meter इसका रेडियस है, सॉरी रेडियस डाया है। इसका रेडियस होगा 0.5 का, और जिसका सेंटर से सेंटर इसमें डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है। एक बार मैं प्लान पे देखेंगे, एक बार सेक्शन पे देखेंगे, ओनली प्लान को देख के हम काम नहीं करेंगे। ये देखिए अपना ये ब्रिज सेंटर है, ब्रिज सेंटर से 50% और 50% आधा लिया। अगर मैं जीडी में देखूंगा 2.9 meter सेंटर टू सेंटर स्क्यू एंग जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको मैं डिवाइडेड किया दो, 2.9 / 2 करेंगे, उसको मैं ऑफसेट मारेंगे अपना जो ब्रिज सेंटर है उससे लेफ्ट और राइट पे। तो पहले शाफ्ट का सेंटर हमको मिल गया, और उसको सेम नेक्स्ट शाफ्ट के सेंटर के लिए उसको ऑफसेट और एक ऑफसेट मारेंगे। जो स्क्वायर डिस्टेंस है उसमें ऑफसेट भी मार सकता हूँ, और नहीं तो जो स्क्यू डिस्टेंस है वहाँ से मैं सर्कल भी ले सकता हूँ। 3.086 जो स्क्यू डिस्टेंस है मैं उसको उस लाइन के बराबर 3.806 आगे तक भी जा सकता हूँ, और उसका स्क्वायर डिस्टेंस हमको आगे चेक कर लेना पड़ेगा। एक बार सबसे पहले स्क्वायर वाला मारा था, स्क्वायर से इसको हम चेक कर लिया, और स्क्वायर में देखिए 2.9 meter है, जिसका 90 में 2.9 meter है, लेकिन स्क्रू में 3.086। दोनों डिस्टेंस को हम एक बार प्लान में चेक करेंगे और एक बार सेक्शन में चेक करेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। शाफ्ट सेंटर टू सेंटर 2.9 स्क्वायर डिस्टेंस है और 3.086 स्क्रू डिस्टेंस है। सारा एक बार चेक हो जाने के बाद जो हम एक एक पीयर में 4 शाफ्ट है चारों को कॉपी करेंगे, हम बियरिंग सेंटर जो है और बी सेंटर के पकड़ के सारे में बैठा देंगे, क्योंकि सारा मेरा एक ही लाइन से बना हुआ है। एग्जैक्ट बियरिंग सेंटर पे इसको हम लेके कॉपी किया था, तो बियरिंग सेंटर पे हम बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें पीयर पे जब बैठाएंगे एक्सपेंशन सेंटर पे बैठेगा ये, और यहाँ से मैं कॉपी करेंगे पीयर सेंटर और बी सेंटर में लेके, लेकिन जब अबॉर्डमेंट पे बैठाएंगे तो हम ब्रिज सेंटर और एबोर्डमेंट जो सेंटर रहेगा मतलब ब्रिज सेंटर बियरिंग सेंटर वहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके सारे में मेरा शाफ्ट रेडी हो गया है, जो 1 meter डाया में है और रेडियस 0.5 में मैं इसको ड्रॉ किया। इसके बाद हम इसका कैप को रेडी करेंगे। कैप का डिस्टेंस इसमें कैप का डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। एक्सपेंशन जॉइंट से सबसे पहले बियरिंग सेंटर मैं निकाला था, और बियरिंग सेंटर से 640 इनर की तरफ और 1.180 आउटर की तरफ हम ऑफसेट मारेंगे तो मेरा शाफ्ट मिल जाएगा। बियरिंग को मैं पहले सबसे पहले 640 आगे की तरफ और 1 meter 180 पीछे की तरफ ऑफसेट लिया, तो हमको शाफ्ट का चौड़ाई मिल गया। आप इसका लंबाई जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 50% लेंगे, 13.8 / 6.9, यानी 6.9 किसको ऑफसेट मारेंगे, जो 90 है अपना फाउंडेशन का 90 को ऑफसेट मारेंगे, फाउंडेशन 90 से इसको पूरा लेफ्ट और राइट पे 50% में शाफ्ट बनेगा सेक्शन के हिसाब से। और आगे जो भी लाइन रहेगा उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, और इसको भी ट्रिम करता हूँ।
इसका एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ लाइन को अपना, जितना भी एक ही अगर कैप बना लेंगे इसी कैप को, इसको चेंज करता हूँ कलर एक बार ज्वाइन करने के बाद, इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, करता हूँ। यार मेरा एक कैप बन गया, इसी कैप को मैं सारे फाउंडेशन में प्लॉट करेंगे, बियरिंग सेंटर और ब्रिज सेंटर का इंटरसेक्शन पकड़ के सारे में बैठा देंगे। अगर सारे में नहीं बैठाएंगे, सिर्फ A1 और A2 के लिए ए सेम रहेगा, और P1 में कुछ अलग एक बार देख लेते हैं। A2 में भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, अपना जो फाउंडेशन सेंटर रहेगा उसको मैं ऑफसेट मारेंगे लेफ्ट और राइट की तरफ। सेम फाउंडेशन के लिए 640 mm हम इनर की तरफ आएंगे, 640 mm इनर और 1.180 आउटर। A1 पे जो बनेगा A2 में सेम उसका मिरर बनेगा। एक बार लेफ्ट साइड जब बन जाएगा, लेफ्ट और राइट का सेम हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करके इसका भी कलर उससे मैच कर देता हूँ। फाउंडेशन सेम लेयर पे आ गया, यानी कलर पे आ गया, सॉरी फाउंडेशन नहीं कैप। इसी कैप का जो डिस्टेंस एक बार चेक करेंगे, 320 आ रहा है। 320 मतलब क्या है, अपना एक्सपेंशन से 320 आएगा, क्योंकि 300 का अपना यहाँ पे डार्ट वॉल दिखा के रखा है और 20 mm हो गया, 40 mm एक्सपेंशन गैप है उसका, 20 mm आउटर की तरफ रहेगा और 20 mm इनर की तरफ रहेगा, यानी मेरा ड्राइंग ओके हो गया। सेम हम अगर P1 पे देखेंगे तो 3 meter का उसमें कैप दिखा के रखा है, यानी जो एक्सपेंशन सेंटर है वहाँ से 1.5 meter A1 की तरफ, 1.5 meter A2 की तरफ हम ऑफसेट मारेंगे। जो रेड कलर का इसमें दिख रहा है एक्सपेंशन, इसको हम लेफ्ट की तरफ 1.5 meter, राइट की तरफ 1.5 meter हम ऑफसेट मारेंगे, और 1 meter दिखा के रखा है अपना शाफ्ट से, उसको भी एक बार चेक कर लिया। और इसमें जो स्क्यू है 14.350 इसका डिस्टेंस है, 14.350 डिवाइडेड टू 7.175, यानी 7.175 लेफ्ट साइड और राइट साइड कहाँ से, अपना फाउंडेशन का जो 90 डिग्री वाला लाइन है उसी से मारना है, क्योंकि टोटल फाउंडेशन का 90 में कैप बनेगा। अलग अलग ब्रिज पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसी ड्राइंग को इसी GAD के बेस पे हम बना रहा हूँ तो ऐसा बन रहा है। आपको ड्राइंग के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कभी कभी फाउंडेशन क्या है एज पर साइड उसको घुमा भी सकता है और रेडियस चेंज भी हो सकता है, सॉरी रेडियस नहीं इसकी एंगल। सेम इसको बियरिंग एक्सपेंशन सेंटर को पकड़ के राइट साइड में इसको कॉपी कर दिया, मतलब हमारा पास अभी जो 6 number कैप रेडी हो गया है। एक बज गया, इसको भी सेम लेफ्ट साइड को कॉपी करके राइट साइड में पेस्ट कर ही लेता हूँ, बियरिंग सेंटर में पेस्ट कर दिया। ओके, मेरा फाउंडेशन बन गया, साफ बन गया, कैप बन गया। इसके बाद हम पेडेस्टल बनाएंगे, मतलब लास्ट प्रोसेस पेडेस्टल तक ही लास्ट होता है, उसके बाद डेक स्लैब होता है, जो अपना शोल्डर आउटर पॉइंट होता है उसी से डेक स्लैब का पॉइंट हम लोग दे देते हैं। अब पेडेस्टल बनाएंगे, पेडेस्टल के लिए इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, पेडेस्टल सेंटर और अपना जो डेक सेंटर वो बराबर है, कभी कभी वेरीज भी होता है, उसको एक बार देख के करना पड़ेगा। जितना भी डिस्टेंस इसमें पेडेस्टल के दिया हुआ है, हम ब्रिज सेंटर को उसका लेफ्ट और राइट में ऑफसेट मार के सारा बियरिंग सेंटर तक, एक्सपेंशन सेंटर तक ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें हमको पेडेस्टल बनाना भी पड़ेगा, बाद में आसान हो जाएगा, उसके बाद बियरिंग सेंटर तक हम इसको ट्रिम कर देंगे। अपना जो बियरिंग से मतलब पेडेस्टल जो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से इसमें जो अपना ब्रिज सेंटर है
बीच सेंटर का जो लाइन आएगा उसी लाइन के 90 में है या नहीं है वो एक बार जीएडी से कंफर्म करना पड़ेगा। इसमें हम लोग अगर देखेंगे जो अपना बियरिंग का लाइन है और पेडेस्टल का जो लाइन है वो एग्जैक्ट 90 में ही है, मतलब उसका परस्पेक्टली परपेंडिकुलर है, मतलब उसी लाइन पे हमको बियरिंग बनाना है, मतलब बियरिंग फाउंडेशन के 90 पे नहीं बनेगा, टोटली बियरिंग का जो लाइन है उसी लाइन से ही बनेगा। इसी यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा फाउंडेशन से पूरा घुमा हुआ है। देखिए अगर फाउंडेशन के लाइन में होता तो फाउंडेशन के रेस्पेक्ट में होता, यहाँ पे फाउंडेशन के रेस्पेक्ट में नहीं बनेगा। टोटली जनरली क्या होता है, बियरिंग जो बनता है, बियरिंग मतलब जो अपना ब्रिज का सेंटर लाइन है उसी रेस्पेक्ट में बनता है। इसलिए इसको मैं एक सर्किल ले लेंगे, जितना भी अपना बियरिंग का लंबाई होगा या चौड़ाई होगा उसको देख के यहाँ से इसी के लाइन के रेस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। इसी द्वारा मैं यहाँ पे 800 यानी 0.4 लेफ्ट A1 A2 की तरफ एक लाइन लिया, उस लाइन को मैं ऑप्शन मार देंगे तो उसका 90 मिल जाएगा। इस लाइन को मैं यहाँ से जोड़ देंगे तो ये एग्जैक्ट अपना बियरिंग का जो लाइन है उसी लाइन से अपना पेडेस्टल, एक पेडेस्टल जब बन जाएगा सेम पेडेस्टल को मैं सारे बियरिंग सेंटर के बराबर प्लॉट कर देंगे, क्योंकि टोटल ब्रिज अपना एक ही लाइन के आधार में बन रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो गया है। इसको लेके मैं सारे बियरिंग जो सेंटर है उसमें प्लॉट करते रहेंगे, जितना भी बियरिंग हमको जहाँ जहाँ पेडेस्टल बैठाना है सेम पेडेस्टल में सारे ड्राइंग पे बैठा दिया। पेडेस्टल का जो चौड़ाई और लंबाई थोड़ा सा ड्राइंग देख के बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो जाता है एज़ पर साइट के हिसाब से भी होता है, डिज़ाइनर से बात करके भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा सेंसिटिव केस से इसको देख के करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ बियरिंग सेंटर में जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहाँ वहाँ ये पेडेस्टल को मैं बैठा दिया, एग्जैक्ट कैप के ऊपर ये पेडेस्टल अभी रेडी हो गया है। सेम को कॉपी करके सारे पेडेस्टल पे पेडेस्टल को हम बियरिंग सेंटर पे बैठा दिया। लगभग मेरा ड्राइंग कंप्लीट है, इसके बाद मैं जो भी अनएक्सपेक्टेड वाला लाइन रहेगा सारे को मैं बियरिंग का लाइन पकड़ के ट्रिम कर देंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में, मैं इसका आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और अपना जो फॉर्मेशन हुई थी 16 मीटर मैं यहाँ से PCL को ऑफसेट मारूंगा। अगर 16 मीटर लेफ्ट और 16 मीटर राइट साइड में अगर देखूंगा जिस टाइम मैं डेक स्लैब करूंगा उस टाइम क्या होगा, जो अपना कुछ कुछ जगह में कैंटिलीवर आ जाएगा, मतलब वो भी एकदम थोड़ा थोड़ा आएगा, 40 mm 30 mm ऐसा कुछ इसमें कैंटिलीवर आ जाएगा, उसको हम लोग डेक स्लैब में मैच कर लेंगे। लेकिन ब्रिज को जब हम बनाएंगे एग्जैक्ट इसी ड्राइंग के आधार पर ही बनाएंगे, और क्रॉस पीरियड जब बनाएंगे उस टाइम में अपना जो शोल्डर वाला लाइन रहेगा उस लाइन से 0.5 मीटर हम एक ऑफसेट ले लेंगे, उस लाइन से हम फिर बनाएंगे। थैंक यू मेरा वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसका जो लिंक रहेगा मतलब इसका ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं GAD और ये ऑटोकैड वाला फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। यहां पे एक बार मैं सेंटर टू सेंटर चेक कर लेता हूं अपना जो बियरिंग सेंटर टू सेंटर यानी अपना गटर सेंटर टू सेंटर जितना लेंथ आएगा उसको, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होता है कि गटर सेंटर टू सेंटर मैच कराना, जितना भी गटर रहेगा उसको एग्जैक्ट उतना ही आना चाहिए, 17.325 जो आ रहा है उसको ड्राइंग एज पर ड्राइंग के हिसाब से एग्जैक्ट आना है। इस अभी ये अपना जो GAD है उस पर भी हम लोग देख लेते हैं मैनुअल कैलकुलेशन में,
इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखिए इसमें 19.155 एक्सपेंशन से एक्सपेंशन का लेंथ दिया हुआ है 19.155। पहले A1 में जो एक्सपेंशन से बियरिंग का डिस्टेंस है उसको माइनस करेंगे, फिर अपना B1 में जो एक्सपेंशन से एक्सपेंशन बियरिंग से जोड़ रहे हैं 9.15 उसको माइनस करेंगे, तो एग्जैक्ट 17.325 आ गया। इतना हमको बियरिंग सेंटर टू सेंटर ड्राइंग के हिसाब से आना चाहिए, यानी मेरा एज पर GAD मेरा ड्राइंग क्लियर है। सारा क्लियर होने के बाद मतलब एक बार पेडिस्टल तक हम बना लेंगे, उसके बाद ही साइड पे फाउंडेशन का लेआउट देंगे। जब तक पेडिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक फाउंडेशन हम लोग साइड पे लेआउट नहीं कर सकते, ये बात एक ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद कीजिएगा, बाय बाय।